नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सरकार के साथ चार बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ जेसीबी और पोकलेन मशीन के साथ शंभू बॉर्डर पर बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश में है। इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों को पांचवें दौर की बातचीत का न्योता दिया है। खनौरी बॉर्डर पर दो किसानों की मौत को हरियाणा पुलिस ने अफवाह करार दिया। पुलिस का कहना है कि दो पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है। वहीं जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा है कि फिलहाल किसी किसान की मौत नहीं हुई है, एक किसान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों ने धान की पराली में आग लगाकर और मिर्ची डालकर पुलिस पर हमला किया है। इसके अलावा काफी किसानों ने तलवार और गंडासों से भी पुलिस पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी ईएसआई कौशल किशोर का निधन हो गया है। ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर विजय कुमार का देर शाम निधन हुआ था। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान टोहाना बॉर्डर पर तैनात विजय कुमार की अचानक तबियत खराब हो गई थी। संदेश खाली को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संदेश खाली घटना पर ममता बनर्जी के साथ विपक्ष पार्टियों को घेरा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा, नहीं तो जनता उन्हें इसका राजनीतिक जवाब देगी। उन्होंने कहा, बाकी पार्टियां इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? सीपीआईएम की एक नेत्री वहां गई थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई औपचारिक विरोध नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है। 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन नाम वापसी की अंतिम तारीख बीतने के साथ ही 41 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। अलग अलग राज्यों की 41 सीटों के लिए 41 ही उम्मीदवार मैदान में थे। इन सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अब 15 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वही बाकी चीजें तो पुरानी हो गई है, अंत भला तो सब भला। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। कैराना से इकरा हसन, बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले सपा ने 17 और 11 उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी की थी। अब तक सपा कुल 32 उम्मीदवार उतार चुकी है। सोमवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा से सांसद बनी हैं। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं बीजेपी के दो प्रत्याशी मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। तीनों कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने गए। नाम वापसी का समय पूरा हो जाने पर चुनाव अधिकारी ने इनकी जीत का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच आज दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता में ग्रीस पीएम और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों बाद किसी ग्रीस प्रधानमंत्री का भारत आना एक ऐतिहासिक उत्सव है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में ग्रीस पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। इससे पहले ग्रीस पीएम अपनी पत्नी संग राजघाट भी गए थे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। ग्रीस के पीएम ने बताया कि भारत का दौरा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ग्रीस के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी विशेष महत्व रखती है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों की सराहना की है। इसके साथ ही यूएस के राजदूत ने भारत के ग्रंथों का जिक्र करते हुए कहा है कि आज जो कुछ पढ़ाया जाता है वह सदियों पहले भारत में खोजा गया था।
कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी के बाद काफी अच्छा माहौल बन गया है। वहीं बर्फबारी के कारण पर्यटकों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण कई वाहन फंसे हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर ना जाने की अपील भी की है। वहीं बर्फबारी होने से पर्यटकों में खुशी की लहर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए रिदम।